नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। बॉलीवुड से लेकर टीवी तक में कई हसीनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी की है, इस वजह से इन एक्ट्रेसेस को ट्रोल भी किया जाता है। हाल ही में देवोलीना भट्टाचार्य ने शहनवाज शेख से शादी की है, इसके बाद देवोलीना को जमकर ट्रोल किया गया है। बीते दिन देवोलीना भट्टाचार्य ने एक ट्वीट करके ट्रोल्स को फटकार लगाई है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी की है। तो सबसे पहले नंबर पर है देवोलीना भट्टाचार्य। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने हाल ही में शहनवाज शेख से शादी की है, इसके बाद देवोलीना को जमकर ट्रोल किया गया था। दूसरे नंबर पर है ऋचा चड्ढा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अली फजल से शादी की थी। कपल की शादी को लव जिहाद कहकर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। तीसरे नंबर पर बारी है दीपिका कक्कर इब्राहिम की। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कर इब्राहिम ने शोएब इब्राहिम से शादी की थी, उन्हें भी इसी कारण जमकर ट्रोल किया गया था। अब बारी है करीना कपूर खान की। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी सैफ अली खान से शादी की थी, इसके बाद करीना भी ट्रोल हुई थी। आज भी लोग करीना को ताना मारते हैं और ये तब और ज्यादा बढ़ गया जब इस कपल ने अपने बड़े बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा। पांचवें पर है मलाइका अरोड़ा खान, जो थी अब मलाइका अरोड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने सलमान खान के भाई अरबाज खान से शादी की थी, हालांकि आगे चलकर ये शादी टूट गई थी। अब बारी है मिनी माथुर की। एक्ट्रेस मिनी माथुर ने फिल्म डायरेक्टर कबीर खान से शादी रचाई थी, इस वजह से मिनी माथुर को ट्रोल किया गया था। और अब एंड में बारी है स्वरा भास्कर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी की थी, इसके लिए स्वरा भास्कर को लोग अभी भी ताने मारते हैं। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।